मैंने कहा कि जब तक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक मैं भी बराबर बोलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, रुकूंगा। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं, आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हुए कभी नहीं आती। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए कभी नहीं आती। बहनों भाइयों, आप धर्म पुराण उठाकर पढ़ लीजिए, लक्ष्मी जी यानी धन दौलत घर में यदि आता है, लक्ष्मी यदि घर में यदि आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। बहनों भाइयों, इन्होंने यह भी कहा था मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा तो कभी मैं सरकारी बंगले में, गवर्नमेंट के बंगले में नहीं रहूंगा, लेकिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को एक शीश महल की तरह बनवा लिया। जनता की गाढ़ी कमाई, करोड़ों रुपए लगा दिए उसने। मेरे दोस्तों बोलिए भारत माता की, बोले सोनिया। ऐसे बोला जाता है। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा क्यों आज के 10-15 दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था उस समय ही हमारे पैर में चोट लग गई थी। वैसे 10-12-14 मिनट खड़े होकर मैं बोल सकता हूं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि मैं इसका इलाज कर सकूं। डॉक्टर का कहना है कि कम से कम 7 डेज, 7 दिन आप आराम करिए, नहीं तो यह जल्दी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि जब तक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक मैं भी बराबर बोलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। केजरीवाल ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अन्ना हजारे की बात नहीं मानी, और उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। और बहनों भाइयों, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, इन्होंने यह भी कहा था मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा तो कभी मैं सरकारी बंगले में, गवर्नमेंट के बंगले में नहीं रहूंगा, लेकिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को एक शीश महल की तरह बनवा लिया। जनता की गाढ़ी कमाई, करोड़ों रुपए लगा दिए उसमें। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि इन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल को इनके घर में इनकी मौजूदगी में लात घूसों से पीटा गया, उसके बाल खींचे गए। यहां से जीता कर यदि हमारे गज्जाराम जी को आपने भारत की पार्लियामेंट में भेजा, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे गज्जाराम जी पूरे दमखम के साथ आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम को भारत की संसद में आवाज देने का काम करेंगे, ऐसा मैं पक्का विश्वास आप सबको दिलाता हूं। और इसलिए कमल के फूल का बटन दबाइए। और यहां पर यह बताइए, लक्ष्मी जी का मतलब समझते हैं आज आप हैं? और आप जानते हैं, एक मिनट बच्चों, लक्ष्मी जी यानी धन दौलत की जो देवता देवी मानी जाती है, लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हुए कभी नहीं आती। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए कभी नहीं आती। बहनों भाइयों, आप धर्म पुराण उठाकर पढ़ लीजिए, लक्ष्मी जी यानी धन दौलत घर में यदि आता है, लक्ष्मी यदि घर में यदि आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। बहनों भाई, इसलिए कमल के का फूल का बटन दबाइए,
और भारी मतों से विजय दिलाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।